हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मराठी का पैटर्न बताऊं, क्योंकि बोर्ड का पेपर कल नहीं परसों आप लोग का है 16 तारीख को, तो आप लोग को पूरा पैटर्न आएगा, तभी आप लोग पेपर किस तरीके से अच्छी तरीके से दे सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, 100% मैं बोलता हूँ अच्छे तरीके से आप लोग पेपर दे सकते हो, 100% में बोलता हूँ। तो क्या क्या आता है, कितने नंबर का क्या आता है, सबसे पहले उसको आप लोग को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है उसको मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ। आप लोग 80 नंबर का पूरा पेपर होता है मराठी का। अब इसमें क्या है, विभाग जो होता है, कृति और गुण, मतलब कितने नंबर का है, पूरा ऑल टोटल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग को वीडियो देखना है, आप लोग को समझ में 100% आप लोग क्लियर हो जाएगा जो डाउट है आप लोग के मन में कि कैसा पेपर आता है। सबसे पहले आप लोग विभाग जो फर्स्ट रहता है, गद्य विभाग रहता है, आप लोग का गद्य विभाग रहता है, उसमें प्रश्न पहला जो रहता है, पहला अ और आ, दोनों प्रश्न पहले का अ और आ पठित उतारा, मतलब सिंपल सा पैराग्राफ दिया रहता है, दोनों का एक ही बताया है। जो 7 नंबर का अ रहता है, 7 नंबर का आप लोग का आ रहता है, दोनों रहता है, उसमें से आप लोग को एक पठित उतारा, मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी में से आप लोग को जो करना है पूरा आंसर उसी में से ढूंढ के लिखना रहता है। देखोगे आकलन कृति 2 नंबर के लिए, आकलन कृति 2 नंबर के, और सोमत, जो सोमत रहता है ये आप लोग को उसी पैराग्राफ में से बना के लिखना रहता है, अपने मन से हिंदी में आप लोग को बनाना रहता है, बट इसमें जो मराठी का रहता है इसी में से आप लोग को बना के लिखना रहता है। ऐसे सेम आप लोग को इस पे 7 नंबर और इस पे 7 नंबर पूरा हो जाएगा, आप लोग को पूरा 14 नंबर हो जाएगा, मतलब 14 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसमें प्रश्न पहले का ई है, अपठित उतारा, मतलब सिंपल सा ये अपठित रहता है, मतलब ये अपने बुक का नहीं रहता, इसमें भी आकलन कृति देता है 2 नंबर के लिए, और आकलन कृति 2 नंबर, सिंपल सा 4 नंबर आसानी से मिल जाता है। टोटल नंबर आप लोगों का 18 नंबर, आप लोगों का प्रश्न विभाग एक से आप लोगों का 18 नंबर का हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को और नीचे क्या होता है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखोगे विभाग जो दूसरा है पद्य विभाग, पद्य मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोग का जो कविता होता है पोयम उसको बोलते हैं आप लोग का पद्य विभाग। प्रश्न दूसरा अ में पठित पद्य, मतलब जो आप लोग पढ़े हो बुक में है बस उसी में से आएगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले आप लोगों का क्या पद्य विभाग, आकलन कृति, आकलन कृति 2-2 नंबर के लिए रहेगा, और कविता चाह, तीसरा क्या कविते तिल दिलेला शब्दाचे अर्थ लिखन, मतलब कविता का कुछ शब्द दिया रहेगा उसका क्या बनाना रहेगा आप लोगों को, अर्थ लिखना रहेगा, मीनिंग, तो उसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। और काव्य सौंदर्य कृति, मतलब सिंपल से आप लोग उससे भी कृति दिया रहेगा उसको पूरा करना, इस तरीके से आप लोग का पूरा इससे जो है 8 नंबर मिलेगा। ये जो आप है, और प्रश्न दूसरे का आप है पद्य मुद्दे कृति, मतलब सिंपल सा मुद्दा दिया रहेगा उससे आप लोगों का पूरा आप लोगों को पूरा करना रहेगा, तो सिंपल से इससे भी आप लोग 8 नंबर है। इसमें से देखोगे एकुण 6 कृति, 35 5 कृति, मतलब सिंपल से एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसी में से आप लोगों को 5, जैसे बोलते नहीं आप लोगों का प्रश्न तैयार, इस तरीके से आप लोगों को करना रहेगा। कृति पैंकी 5 कृति, 1 × 6 मतलब पहला 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर का, और तीसरा जो रहेगा 2 नंबर, तीसरा जो रहेगा आप लोगों का कितना 3 नंबर के लिए, इस तरीके से आप लोगों का पूरा कितना हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा। तो आप लोगों का प्रश्न जो विभाग दूसरा रहता है पद्य विभाग वो 16 नंबर के लिए रहता है, और फर्स्ट विभाग जो रहता है आप लोगों का वो गद्य विभाग वो आप लोग का 18 नंबर का। इस तरीके से आप लोग गद्य और पद्य दोनों बीत जाता है। अब आप लोग का आता है स्थूल वाचन विभाग, जो तीसरा रहता है स्थूल वाचन, प्रश्न तीसरा स्थूल वाचन, सौमत अभिव्यक्ति चा 3 × 6 मतलब सिंपल सा सौमत मतलब अपने मन से लिखना रहेगा, अभिव्यक्ति चा 3 × 6 मतलब 3 नंबर मिलेगा, और जो इसमें 3 कृति कोणते 2 मतलब 3 कृति दिया रहेगा आप लोगों को, उसमें सिर्फ 2 ही आप लोगों को करना रहेगा, सिंपल सा 3-3 नंबर के लिए रहेगा, सिंपल सा आप लोगों को करना है, ये मिल जाएगा आप लोगों का पूरा 6 नंबर टोटल आप लोगों को मिल होएगा, आप लोग आसानी से 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, जो आप लोगों का विभाग जो चौथा है 4 वाला, व्याकरण व भाषा अभ्यास, मतलब सिंपल से व्याकरण के रूप में आप लोगों का चौथा वाला जो विभाग रहता है पूरा व्याकरण रहता है। क्या है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या क्या व्याकरण में आप लोगों से पूछा जाएगा, और ऑलरेडी एसडीटेक चैनल पे बहुत सारा मराठी का जो आप लोग का व्याकरण है ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो बन चुका, तो उस पर जाके आप लोग विजिट करके अच्छे तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे प्रश्न जो चौथा है व्याकरण कृति, उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट जो वाक्य प्रचार उड़ख्या, मतलब सिंपल से वाक्य प्रचार आप लोग को उड़ख्या करने के लिए आता है 2 नंबर, और वाक्य रूपांतर कर मतलब वाक्य दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए आता है, और वाक्य प्रचार इस तरीके से 3 आता है आप लोगों को, 4 वाक्य प्रचार 4 नंबर के लिए आता है, और वाक्य रूपांतर आप लोग 2 नंबर, और सिंपल से वाक्य प्रचार उड़ख्या मतलब कौन सा वाक्य प्रचार है
उसको आप लोग को पहचानना रहता है सिंपल से। इस तरीके से आप लोग का पूरा टोटल 8 नंबर इसमें हो जाता है। और नीचे देखोगे आप लोग लिखा क्या गया है, प्रश्न चौथे का आ, ए अ था और ए आ है। भाषित कृषि शब्द संपत्ति 4 नंबर, लेखनीय नियम 2 नंबर के लिए रहता है आप लोग को, और विराम चिन्ह लगाने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है, या विराम चिन्ह बना के दिया रहेगा उसका नाम लिखना रहेगा, या आप लोगों सिंपल से यही बोला रहेगा कि ये इसमें विराम चिन्ह यूज करना है बस इस तरीके से। और मैं बताता हूँ क्या है, इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, 8 नंबर अ पे और आ पे 8 नंबर, टोटल कितना हो जाएगा 16 नंबर आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे मैं बताता हूँ जो पांचवा है। अब जो आप लोगों का पांचवा जो दिया गया है आप लोगों का पांचवा विभाग, इसमें बहुत ईजी रहता है। इसमें प्रश्न पांचवा अ में पुढ़िल दोन कृति विचार नार, मतलब आप लोगों का पत्र लेखन मतलब उपयोजित लेखन आप लोगों का पांचवा विभाग रहता है। उपयोजित लेखन उसमें आप लोगों का ग्रामर का ही रहता है एक प्रकार से। प्रश्न पांचवा अ पुढ़िल दोन कृति विचार नार, पत्र लेखन की वा सारांश लेखन, आप लोगों को दो दिया रहेगा, आप लोगों उसमें से कौन सा करना है आपके ऊपर है। सबसे मैं बोलूंगा आप लोगों का पत्र लेखन ही आप लोगों को करना है, 100% पत्र लेखन करना है। इसमें से पत्र लेखन की वा सारांश लेखन कौन थे एक छोड़वा, मतलब सिंपल से एक आप लोगों को करना है, बस एक ओनली वन आप लोगों को अटेंड करना रहेगा। 6 नंबर के लिए आप लोग लेखन रहेगा, मतलब पत्र आप लोगों को 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है प्रश्न पांचवे का आ, पुढ़िल तीन कृति विचारनार कोणती दोन सोडवा, मतलब सिंपल सा तीन कृति दिया रहेगा आप लोग उसमें से क्या आप लोग को दो करना रहेगा। सिंपल सा क्या है, जाहिरात लेखन 5 नंबर के लिए आएगा, बातमी लेखन 5 नंबर के लिए आएगा, कथा लेखन 5 नंबर के लिए आएगा, टोटल आप लोगों को 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों इसमें से कोई दो करना रहेगा। इस तरीके कथा लेखन आप लोगों को मैं बोलूंगा कथा लेखन मत करना, जाहिरात लेखन और बातमी लेखन आप लोग अटेंड करना, क्योंकि इससे नंबर आप लोग आसानी से बना के लिख सकते हो, आसानी से आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा। उसका जो पांचवा है प्रश्न पांचवे का ई, लेखन कौशल निबंध लेखन, सबसे इजी सबसे नंबर कैरी करने वाला ये चीज होता है जो निबंध आता है। पुढ़िल तीन कृति विचार त्या पंक्ति पंक्ति कोणते ही एक सोड़ा, मतलब सिंपल से एक ही आप लोग को करना है। इसमें से तीन आत्म दिया है आप लोग इसमें से एक करना रहेगा, आप लोगों का 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों जो प्रश्न पांचवा विभाग पांचवा है उसमें 24 नंबर टोटल मिलता है आप लोग। पूरा जो मराठी का था मैं आप लोग को ऑल टोटल बता दिया। अगर इस चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना और लोगों को हेल्प हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करना, जिससे उन सबको भी मालूम पड़ सके कि किस तरीके से पेपर में क्या क्या चीज पूछा जाता है, क्योंकि पेपर बोर्ड का एग्जाम है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको जितना हो सकता है अपने फ्रेंड में, अपने जितना हो आपके रिलेशन जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करना। बस आप आज के लिए इतना ही, बस आप लोग इसको कर लो।